तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। और फ्रेंड ये यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम वीडियो है। देखिए फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन किए गए हैं। फ्रेंड ऊपर देखिए जो इनपुट के वायर है, जो रेड और ब्लैक है, ये इनपुट के वायर है और आउटपुट में केवल एक सिंगल वायर जा रहा है क्योंकि हमने केवल फेज लिया है आउटपुट में। और जो न्यूट्रल है फ्रेंड ये ब्लैक वायर ये दोनों में लगा हुआ है ताकि इनपुट और आउटपुट में जो इन्वर्टर का इनपुट और आउटपुट होता है उसमें न्यूट्रल वायर कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में केवल एक वायर जा रहा है, इनपुट में दो, इनपुट से दो वायर आ रहे हैं। जो इन्वर्टर की इनपुट पिन है यहाँ पे हम देखिए दो वायर दे रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्टर का इनपुट वायर लगाएंगे हम और यहाँ से आउटपुट लेंगे। देखिए पीछे की साइड केवल हमने एक ही वायर लगा रखा है और इस पर एक MCB भी लगा रखी है। देखिए फ्रेंड अब एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका क्वेश्चन था कि सर यदि हम इन्वर्टर की इनपुट पिन को निकाल दें केवल 100% पावर ऑफ ग्रिड। फ्रेंड एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका क्वेश्चन था कि सर मेरे इन्वर्टर में दोनों तरफ फेज आ रहा है जबकि मैंने इन्वर्टर को कोई भी इनपुट एसी इनपुट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड हम ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हमने इन्वर्टर का जो एसी इनपुट का वायर है देखिए इसको हमने निकाल दिया, यहाँ पर इसका सॉकेट था इसको बाहर निकाल के पटक दिया है। अब देखिए फ्रेंड इसके दोनों ही जो न्यूट्रल और फेज है, देखिए इनमें किस में फेज आएगा और किस में न्यूट्रल आएगा। देखिए फ्रेंड बहुत ही सावधानी से एक्सपेरिमेंट करना है ये क्योंकि यहाँ पर करंट लग सकता है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे फेज आ रहा है, देखिए मैं थोड़ा लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें भी फेज आ रहा है और फ्रेंड देखिए दूसरे में भी, मतलब दोनों में हमारा जो टेस्टर है इसकी लाइट ग्लो करेगी। देखिए बट फ्रेंड जो फेज वाला है एक में ज़्यादा ग्लो करेगी और एक में कम ग्लो करेगी। देखिए यहाँ पर देखिए लाइट जल रही है और देखिए सेकेंड में भी लाइट जल रही है, दोनों में लाइट जलेगी। और जैसे ही फ्रेंड देखिए इसको हम ऐसी इनपुट देंगे, देखिए अगर आपने कोई भी पिन नहीं लगाई है तो फ्रेंड दोनों में लाइट जलेगी, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यदि फ्रेंड दोनों में ये फेज और न्यूट्रल दोनों में आपके टेस्टर की लाइट जल रही है, एक में कम ग्लो करेगी एक में ज़्यादा ग्लो करेगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड यदि हम एसी इनपुट का वायर लगा देते हैं उसके बाद यदि दोनों में ग्लो करती है तो देखिए उसका क्या सॉल्यूशन करना है पहले मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल, देखिए एल और एन लिखा हुआ। फ्रेंड इसमें भी करंट आ रहा है क्योंकि आउटपुट और इनपुट में न्यूट्रल कॉमन है तो यहाँ पे भी न्यूट्रल आ रहा है तो मुझे करंट लग सकता है। देखिए अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड, देखिए जैसे इस पिन को हम ऐसे लगाएंगे तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एल और यहाँ पर लिखा हुआ है एन, तो मतलब इस वाले में जो इधर जो मेरी राइट हैंड साइड का है इसमें फ्रेंड फेज आना चाहिए और इधर वाले में न्यूट्रल आना चाहिए। देखिए आपको चेक कर लेना, अगर इसका उल्टा आ रहा है तो आपको आपके वायर उल्टे करने पड़ेंगे। देखिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए फ्रेंड इसमें फेज आ रहा है बिल्कुल सही है, राइट हैंड साइड मतलब फेज आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड न्यूट्रल आना चाहिए। देखिए न्यूट्रल में कोई भी लाइट नहीं जल रही है, फेज में जल रही है लाइट। देखिए फ्रेंड बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड जो राइट हैंड साइड का है, देखिए जो राइट हैंड साइड की पिन है देखिए वो फेज है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए जैसे इसको मैं ऐसे घुमाऊँगा, देखिए यहाँ पर देखो आप ये एल है, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये राइट हैंड साइड चला गया। देखिए राइट हैंड साइड में ही मेरे फेज आ रहा था। देखिए अब इस पिन को मैं लगा देता हूँ, देखिए फ्रेंड मैंने ये पिन लगा दी है। अब मैं चेक करता हूँ इन्वर्टर के आउटपुट में, देखिए किधर फेज आ रहा है किधर न्यूट्रल आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए इसके पीछे लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पर, तो फ्रेंड देखिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड देखिए अब देखिए इधर की साइड फ्रेंड फेज आ रहा है और इधर की साइड में देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए तो फ्रेंड यदि आप ऐसी इनपुट दोगे तो फ्रेंड सिर्फ एक साइड फेज आना चाहिए और एक साइड हमारी टेस्टर की लाइट ग्लो नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे देखिए केवल फेज में ग्लो कर रही है और न्यूट्रल में ग्लो नहीं कर रही है। तो यदि फ्रेंड देखिए आपके ऐसी इनपुट की वायर लगा दोगे उसके बाद एक ही साइड फेज आना चाहिए, यदि दोनों साइड फ्रेंड आपके टेस्टर की लाइट ग्लो कर रही है तो आपको इसके कनेक्शन इंटरचेंज करने पड़ेंगे, मतलब राइट हैंड साइड होना चाहिए हमारे इसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड फेज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड न्यूट्रल आना चाहिए इस बोर्ड में। अगर इस बोर्ड में फ्रेंड लेफ्ट हैंड साइड अगर फेज आ रहा है और राइट हैंड साइड न्यूट्रल आ रहा है तो फ्रेंड आपको इन दोनों वायर को इसके बोर्ड के अंदर चेंज कर देना है या फिर पूरे घर में, देखो आपको आपके घर की MCB पर चेक करना है फ्रेंड, वहाँ भी यदि देखिए फेज नहीं आ रहा है MCB में, घर की जितनी भी MCB होती है वो फेज वायर में लगी होती है, तो फ्रेंड सारी MCB पे आपको टेस्टर से चेक करना है। वहाँ पे अगर देखिए जो आपका
घर का जो सारे MCB लगी हुई है वहाँ पे चेक करना है। वहाँ पे अगर MCB में फेज आ रहा है तो बिल्कुल सही है, केवल आपको इस बोर्ड का फेज और न्यूट्रल इंटरचेंज करना पड़ेगा अंदर से खोल के। और यदि फ्रेंड आपके जो घर की MCB है जो बाहर की साइड लगी हुई होती है उसमें भी अगर फेज नहीं आ रहा है MCB में, तो फ्रेंड आपके पूरे घर का जो वायर है मीटर के वहाँ पे वही इंटरचेंज करना पड़ेगा। और यदि फ्रेंड आपने इन्वर्टर के इनपुट वायर निकाल दिए तो दोनों में हमारे टेस्टर की लाइट ग्लो करती है। देखिए अब मैं लगा देता हूँ, देखिए अब मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे L, देखिए L L मतलब लेफ्ट हैंड साइड है इसमें। देखिए मैं इसको लगा देता हूँ, देखिए फ्रेंड ये मैंने लगा दी है। और देखिए मेरी MCB आउटपुट की, देखिए इसमें फेज आ रहा होगा, देखिए फेज आ रहा है, देखिए फ्रेंड फेज आ रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड आपके घर के इन्वर्टर का कनेक्शन चेक कर सकते हो। यदि आपने इन्वर्टर के इनपुट वायर निकाल दी और दोनों में लाइट ग्लो कर रही है टेस्टर की, तो कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड वहाँ पे। और यदि आपने AC से सप्लाई दे रखी है आपके इन्वर्टर को, तो फ्रेंड आपके मतलब आप यदि इन्वर्टर के सामने खड़े हो तो फ्रेंड लेफ्ट हैंड साइड का जो आउटपुट का स्विच है उसमें आना चाहिए फेज और राइट हैंड साइड आना चाहिए न्यूट्रल, ठीक है फ्रेंड। और इनपुट में उल्टा है, इनपुट में राइट हैंड साइड इसका फेज है और लेफ्ट हैंड साइड इसका न्यूट्रल है। तो फ्रेंड ये है इन्वर्टर का कनेक्शन, मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।